वहीं सवाल उठता है कि क्या नेपाल चीन के हाथों में खेल रहा है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में आने वाले जिस कालापानी इलाके पर नेपाल ने अपना दावा किया है, वहां हमारे संवाददाता मंजीत नेगी पहुंचे हैं। नेपाल उस इलाके में हो रहे निर्माण कार्य से परेशान हो गया है, जबकि वो इलाका हिंदुस्तान का है। अब खबर मिली है कि नेपाल उस इलाके में पिछले 15 दिनों में हेलीपैड को बना चुका है। नेपाली सेना के दर्जनों जवान वहां पर बकायदा तैनात किए गए हैं। कैलाश मानसरोवर जाने वाली भारतीय निकले सड़क को लेकर नेपाल के विरोध के बीच इस वक्त हम पाल्पा पहुंचे हैं। जमीनी हालात का जायजा ले रहे हैं और यहां पर काली नदी के ठीक दूसरी तरफ हम आपको आज तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहां पर पिछले 15 दिनों में नेपाली सेना है, उसकी मूवमेंट हुई है। उन्होंने यहां पर एक अस्थायी हेलीपैड बनाया है। ये पेड़ दिखा देख सकते हैं आप, काफी पेड़ काटे गए हैं हेलीकॉप्टर की मूवमेंट को लेकर। और करीब 6 से 7 नेपाली सेना के यहां पर कैंप लगाए गए हैं। नेपाली आर्मी के जवानों की मूवमेंट आप देख सकते हैं। और ये पिछले 15 दिनों में जब नेपाल ने खासतौर से अपनी संसद में भारत के कुछ हिस्सों को अपना हिस्सा बताते हुए विधेयक पास किया, उसके बाद यहां पर नेपाली सेना की मूवमेंट हुई है। हालांकि अभी तक अगर पिछले समय को देखें तो इससे पहले अगर रिपू लेक से लेकर भाटला तक जो काली नदी के साथ साथ कई दर्जनों गांव हैं नेपाल और भारत के आसपास, अभी तक नेपाली सेना की यहां पर इस तरह की कोई मूवमेंट नहीं थी। पहली बार ऐसा हुआ। और ये तस्वीरें हम आपको आज तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस तरह से नेपाली सेना यहां पर सक्रिय हुई है। हालांकि नेपाल और भारत के बीच में भारत की तरफ से SSB की पोस्ट पीछे अगर धारचूला से चलते हुए हम देखें तो कई जगह पर पोस्ट है, लेकिन भारत की तरफ से इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं है। लेकिन फिलहाल नेपाली सेना की यहां पर एक बड़ी एक्टिविटी देखी जा सकती है, जहां पर नेपाली सेना ने अपने कैंप स्थापित किए, हेलीपैड यहां पर बनाया है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।